Good morning, students. Present here for the explaining the central idea of the poem Wind by Subramania Bharti. In this poem, Wind poem mein, the poet uses the metaphor. Isme kavi ne rupak alankar ka prayog kiya hai for hardships of life, zindagi ki mushkilat ko dikhane ke liye. As a symbol of God power, ईश्वर की शक्ति का प्रतीक मानते हुए तेज हवाओं को, wind is destructive, कि तेज हवाएं जो होती हैं वो हमेशा बर्बाद कर देती हैं, बिखेर देती हैं, टुकड़े टुकड़े कर देती हैं. फॉर द वीकलिंग्स, कमज़ोर चीज़ों के, यानी जितनी चीज़ें कमज़ोर होती हैं तेज़ हवा से वो सब बिखर जाती हैं. वी शुड मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, हमें इन डिस्ट्रक्टिव बिखेरने वाली या बर्बाद करने वाली शक्तियों को आवर फ्रेंडशिप, अपना दोस्त बनाना चाहिए. विथ स्ट्रेंथ एंड विल पावर, अपनी पूरी शक्ति और इच्छा शक्ति के साथ में. द पोएट सजेस्ट अस, कवि हमें ये सुझाव देते हैं, टू बी स्ट्रांग फिजिकली एंड मेंटली, कि हमें फिजिकली, शारीरिक रूप से भी एंड मेंटली, मानसिक रूप से अपने दिमाग को भी स्ट्रांग रखना चाहिए. हार्डशिप ऑफ लाइफ मेक स्ट्रांग पीपल मोर स्ट्रांग. हार्डशिप ऑफ लाइफ मीन्स जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आती हैं या मुश्किल समय आता है वो स्ट्रांग पर्सन को तो और ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है. एंड ब्रेक द वीक पीपल, और परेशानियां जो होती हैं कमज़ोर लोगों को तोड़ देती हैं, मींस कमज़ोर लोगों को और भी ज़्यादा कमज़ोर बना देती हैं. इसीलिए हमें अपने आप को हर तरह से स्ट्रांग रखना चाहिए. यही मैसेज है कवि का इस पोएम विंड में.